बीजेपी के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सुधीर अवेसी के खिलाफ बेहद विवादित बयान दिया है। बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने धमकी भरे लहजे में कहा है, मैं तुमको चेतावनी देता हूँ कि मैं क्रेन से उल्टा लटका कर तुम्हारी दाढ़ी काटूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी दाढ़ी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री को लगाकर उसको प्रमोशन दूंगा। निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद ने पहले भी हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इससे पहले पिछले महीने बीजेपी सांसद धर्मपुरी ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने पर असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। अब ऐसे में क्या जिस तरीके से वो विवादित बयान दे रहे हैं असुद्दीन ओवैसी पर, क्या ऐसे में ओवैसी के समर्थक चुप बैठेंगे? क्या जो वो बयान दे रहे हैं ये बयान क्या सही है? क्या ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो वो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सरासर गलत है और ऐसे में अब समर्थक तो चुप बैठने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल भाजपा सांसद को तो सरासर नहीं करना चाहिए था। SPN 9 न्यूज़ से नाज़मीन की रिपोर्ट।